डि थे और हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर इस चैप्टर का एक छोटा सा ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था आई होप सो आपने लेक्चर देखा है और आपको क्लियर है तो अब हम बात करेंगे कि जो होते हैं, उनके अंदर ढेर सारे डिफरेंसेस होते हैं है ना? तो हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है तो इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम ह्यूमन फंक्शनिंग के अंदर डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज सिचुएशनिज्म को हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के इस लेक्चर में सो आई होप सो आप सभी रेडी हैं तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर वन के फर्स्ट टॉपिक को एंड दैट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन ह्यूमन फंक्शनिंग सो एज़ यू ऑल नो कि हम सभी इंडिविजुअल्स एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं है ना इधर वी टॉक फिजिकली और साइकोलॉजिकली सो वेरिएशंस आर कॉमन विद इन एंड अक्रॉस ऑल स्पीशीज़ हम सभी के अंदर हम सभी स्पीशीज के अंदर जो हैं डिफरेंसेस कॉमन होते हैं वेरिएशंस कॉमन होते हैं इंडिविजुअल वेरिएशंस। और ये जो वेरिएशंस होते हैं ना ये एक तरह से कलर ब्यूटी ऐड करते हैं मतलब अगर uh, आप एक बार के लिए सोचो कि पूरा वर्ल्ड सिर्फ़ और सिर्फ रेड कलर का होता या सिर्फ़ और सिर्फ पिंक कलर का होता या सिर्फ़ और सिर्फ हर एक चीज़ ब्लैक कलर की होती सारे ह्यूमंस भी वैसे ही दिखते पूरा वर्ल्ड भी वैसे ही दिखता रोड्स घर सब एक ही एक ही जैसे होते कुछ डिफरेंसेस नहीं कोई कुछ अलग नहीं सब सेम कलर का है तो क्या आपको मज़ा आता मतलब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको अगर आपकी मम्मी कभी टिफ़िन में दो या तीन दिन आलू के पराठे कंटिन्यूसली दे देंगी ना रख के तो आप फोर्थ डे मम्मी को बोलोगे क्या मम्मी रोज रोज आलू के पराठे रख के दे देते हो कभी कुछ अलग भी तो रख के दो क्योंकि सेम चीज़ अगर हमारी लाइफ में होती रहेगी ना तो हम एक दिन हो जाएंगे बोर और लाइफ में कुछ मज़ा रोमांच बचेगा ही नहीं ठीक है तो इसीलिए वेरिएशन होना डिफरेंसेस होना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये लाइफ में ब्यूटी कलर ये सारी चीज़ों को एड ऑन करते हैं राइट सो हाउ विद द

तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट होता है ना जिसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं सेम वे में हम ह्यूमंस के भी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं हम ह्यूमंस भी इंडिविजुअल्स भी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं एंड वेरिएबिलिटी इज अ फैक्ट ऑफ नेचर वेरिएबिलिटी जो है वो नेचर का ही फैक्ट है और इसमें इंडिविजुअल्स कोई एक्सेप्शन नहीं है मतलब आप देखो ना नेचर कितना अपने आप में वैरायटी है नेचर के अंदर अगर मैं आपको एनिमल्स की ही बात करूं तो आप देखो उनमें भी कितनी ज्यादा वैरायटी होती है तो हम ह्यूमंस कहाँ बचेंगे है ना सो so, वेरिएबिलिटी जो है वो नेचर का ही फैक्ट है दे इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हम इंडिविजुअल्स एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं हाइट में वेट uh, में स्ट्रेंथ में हेयर कलर में एंड सो ऑन दे ऑल्सो वरी अलॉन्ग साइकोलॉजिकल डायमेंशंस तो जैसे हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं फिजिकली कि हमारे स्किन के कलर्स अलग हैं हमारा जो है हाइट डिफरेंट है अगर किसी की हाइट सेम भी है तो कहीं ना कहीं उसके हेयर्स में डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे है ना तो ये फिजिकल डिफरेंसेस हम सबके साथ में हैं और इतना ही नहीं हम सभी के अंदर साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं कैसे साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस तो जैसे हम में से कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, है तो कोई उतना इंटेलिजेंट नहीं है कोई डोमिनेंट है कोई अपनी पावर को शो कर सकता है तो कोई किसी की पावर को एक्सेप्ट करने के लिए बैठा हुआ है है ना दैट मीन्स डोमिनेंट है सबमिसिव है कोई क्रिएटिव है कोई उतना ज़्यादा क्रिएटिव नहीं है कोई आउट है कोई विड्रॉन है तो हम सभी का जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है ना या जो साइकोलॉजिकल डायमेंशनस हैं उनमें भी ढेर सारे डिफ्रेंसेस होते हैं हम सभी का uh, थॉट प्रोसेस बहुत ही डिफरेंट होता है जरूरी नहीं जैसा मैं सोचती हूँ वैसा ही आप भी सोचते हो या जैसा आप सोचते हो वैसा मैं सोचती हूँ है ना तो थॉट प्रोसेस डिफरेंट है हमारा इंटेलिजेंस लेवल डिफरेंट है हमारे बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट साइकोलॉजिकल जो हम मतलब एक दूसरे से डिफरेंट हैं लिस्ट तो भैया एंडलेस है है ना चाहे हम फिजिकल की बात करें या चाहे हम साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की बात करें हर एक चीज में इंडिविजुअल्स के अंदर वेरिएशंस हैं क्लियर और उन वेरिएशंस को हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं

ये जो डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं इनमें डिग्री डिफर कर सकती है है ना? तो हर एक इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक है कैसे देखो जैसे हम कुछ ले लेते हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों को मिला के ठीक है तो एक हम ले रहे हैं इंटेलिजेंस क्लियर देखो आपको से और अच्छे से समझ में आएगा एक हम ले लेते हैं इंटेलिजेंस एक हम ले लेते हैं हाइट ओके एक हम ले लेते हैं वेट एक हम ले लेते हैं स्किन कलर ओके इसके अलावा हम ले लेते हैं इमोशंस ये साइकोलॉजिकल हो गए है ना मेमोरी और हम ले लेते हैं थॉट प्रोसेस क्लियर क्या ले लेते हैं थॉट प्रोसेस और इसको ना हम क्या करते हैं थोड़ा डिमार्केट कर देते हैं एबीसीडी से ओके okay, कैसे ये ए हो गया ये बी ये सी इमोशन डी ई एफ जी मतलब इतने ट्रेड्स को हमने लिया है फिजियोलॉजिकल भी और साइकोलॉजिकल भी अब हम यहां पर तीन पर्सन को क्रिएट करने वाले हैं ठीक है कैसे देखो हम क्रिएट करेंगे फॉर एग्जाम्पल कुछ नेम ले, ले लेते हैं ना तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है टेक दी नेम पायल स्नेहा एंड पलक ये तीन इंडिविजुअल्स को हम यहां पे क्या करेंगे क्रिएट करने वाले हैं अब जस्ट सपोज कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जो इंटेलिजेंस लेवल है वो पायल के अंदर है हाइट जो है पायल की वो है तो बट थोड़ी सी कम है ठीक है वेट uh, हम मान लेते हैं थोड़ा कम है ठीक है वेट भी हम मान लेते हैं थोड़ा सा कम है और इमोशंस जो हैं वो पॉजिटिव है ठीक है तो अब पायल कैसी बन गई जिसके अंदर इंटेलिजेंस लेवल तो बहुत ज़्यादा है हाइट थोड़ी कम है वेट थोड़ा सा जो है कम है मे बी इसके है बट इमोशंस उसके अंदर पॉजिटिव हैं तो ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कहीं ना कहीं इमोशनली इंटेलिजेंट है क्लियर बोल सकते हैं अब चलो इस नया को क्रिएट करते हैं ठीक है इसके अंदर बहुत ही स्ट्रांग थॉट प्रोसेस है ठीक है मैं इसको बी से डिनोट कर रही हूँ ठीक है बहुत ही स्ट्रांग थॉट प्रोसेस है मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा सा हमने गलत लिखा है है ना इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज्यादा है बट जो हाइट है वो कम है दैट मीन्स जी और ये एफ है वेट है ना वेट भी कम है ठीक है अब हम बात करें स्नेहा की तो जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही हाई है मेमोरीज uh, की हम बात करें तो वो भी बहुत ही हाई है बट इफ वी टॉक अबाउट स्किन कलर सो शी इज फेयर ठीक है तो स्किन कलर की बात हम करें क्या है एफ है स्किन कलर तो स्किन कलर जो है वो कैसा है फेयर है तो वो भी इंक्रीज कर देते हैं और वेट जो है वो कैसा कर देते हैं ज़्यादा सारी चीजें ज़्यादा कर दी ठीक है तो मतलब बहुत अच्छे से थिंकिंग कर पाती हैं बहुत अच्छे से मेमोरी जो है वो भी बड़ी स्ट्रांग है और साथ ही साथ में स्किन कलर भी फेयर है और जो वेट है वो भी ज़्यादा है दैट मीन्स हेल्दी है मान लेते हैं ठीक है थीके? तो ये हम क्या कर रहे हैं हम कुछ कुछ चीज़ों को लेके एक यूनिक इंडिविजुअल को क्रिएट कर रहे हैं तो जब भी ये चीज़ें किसी पर्सन के अंदर होती हैं ना तो वो उसको यूनिक बनाती हैं वो उसको डिफरेंट बनाती है तो यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट है ना ये इससे डिफरेंट है ये इससे डिफरेंट है क्लियर आ रहे समझ में ऐसे ही थर्ड पर्सनालिटी को आप क्रिएट करो अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो है ना बट जनरली हम अपने अकॉर्डिंग क्रिएट नहीं करते हर एक पर्सनालिटी अपने अंदर होती है उसके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू होते हैं और जो साइकोलॉजिकल होते हैं वो भी जेनेटिक और इन्वायरमेंट के थ्रू होते हैं जैसे मान लेते हैं चलो पलक को क्रिएट करते हैं ठीक है अब पलक के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा मतलब उनकी जो मेमोरी है वो बड़ी स्ट्रांग है तो इसकी वजह से ये जेनेटिक्स पलक के अंदर भी आए और इसकी भी जो मेमोरी है वो बड़ी स्ट्रांग है ठीक है बट जो उनके हाइट है उसके पेरेंट्स की वो एवरेज है तो इसकी हाइट भी एवरेज ही रहेगी पलक की जो हाइट रहेगी वो भी एवरेज ही रहेगी इसका स्किन कलर थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्शन हम डार्क कर देते हैं ठीक है तो स्किन कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन हो गया और अब ये क्या हो गया ये फैक्टर्स कौन से हैं जो उसको जेनेटिकली मिले हैं बट मान लेते हैं कि इंटेलिजेंस लेवल जो है उसका वो इंक्रीज हो जाता है विथ टाइम एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू वो उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं क्लियर तो ऐसे करके इंडिविजुअल्स क्रिएट होते हैं और हर एक इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक है अपने आप में बहुत सारे जो है साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को और फिजिकल ट्रेट्स को कैरी करता है हर एक पर्सन के अंदर वेरिएशंस होते हैं यही वेरिएशंस आपको यूनिक बनाते हैं और यूनिक क्या चीज़ें बताती हैं जो डिग्री होती है कि अगर आपके अंदर इंटेलिजेंस है तो कम है या ज़्यादा है ये आपको यूनिक बनाती है क्लियर कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक है ना बट हेयर कम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये होते क्यों हैं पीपल एक दूसरे से डिफर करते क्यों हैं और कैसे करते हैं कैसे ये डिफरेंसेस होते हैं ठीक है दिस इनफैक्ट इज दिस सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज तो जब भी हम इंडिविजुअल डिफ्रेंसेस को पढ़ रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन यही होना चाहिए हाउ एंड वाई कैसे और क्यों इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं इसी को हम आंसर करेंगे हमारे इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में ठीक है किन क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे हाउ एंड वाई कैसे और क्यों अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं तो क्यों हैं और कैसे हो रहे हैं सो फॉर साइकोलॉजिस्ट इंडिविजुअल differences रिफर्स टू distinctiveness एंड वेरिएशन अमंग पीपल्स characteristics एंड बिहेवियरल patterns. साइकोलॉजिस्ट इन differences को कैसे समझते हैं कि जैसे इंडिविजुअल्स के बीच में distinctions हैं और साथ ही साथ में उनके characteristics में उनके बिहेवियर में अगर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है तो वो आपके इंडिविजुअल वेरिएशंस को शो करता है

ये जो हमारे अंदर पर्सनालिटी नहीं सॉरी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं ये दो कारणों की वजह से हैं एक तो हमारे पर्सनल ट्रेट्स ठीक है अब पर्सनल ट्रेट्स का एग्जांपल अभी मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया कि जैसे ये जो क्वालिटीज आपको दिख रही हैं तो ये पायल के पर्सनल ट्रेट्स हैं ठीक है थीके? ये सब इनके पर्सनल ट्रेड्स हैं जो चीजें इनके अंदर ऑलरेडी हैं तो उसकी वजह से आपके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं एक कुछ साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है और दूसरे साइकोलॉजिस्ट का कहना यह है ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों हैं बिकॉज ऑफ दी सिचुएशनल कैरेक्टर्स और सिचुएशनल फैक्टर्स आपके सिचुएशन situation या सिचुएशनल फैक्टर्स की वजह से ये डिफरेंसेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमको ह्यूमंस के बीच में देखने को मिलते हैं अब क्या है ये सिचुएशनल फैक्टर्स तो इसी सिचुएशनल फैक्टर्स को बाद में हमने सिचुएशनिज्म का नाम दिया क्या नाम दिया सिचुएशनिज्म इन्हीं सिचुएशनल फैक्टर्स को कुछ तो कहते थे पर्सनल ट्रेड्स की वजह से हैं कुछ कहते थे सिचुएशनल फैक्टर्स की वजह से हैं तो बाद में इसको सिचुएशनल फैक्टर्स को हमने एक नाम दिया सिचुएशनिज्म ये क्या बोलता है कि सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसिस इन इन विच वन इज प्लेस इन्फ्लुएंस वन बिहेवियर प पर्सन हु इज़ जनरली अग्रेसिव में बिहेव इन अब मैनर इन द प्रजेंस ऑफ हिज और हर टॉप बॉसिस इसका मतलब ये होता है कि आप जिन सिचुएशन में आप जिन सरकमस्टांसिस में होते हो वो चीज़ आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है जैसे कोई पर्सन है जो बहुत ही अग्रेसिव नेचर का है उसको हर छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है लेकिन अगर वो अपने टॉप बॉसेस के साथ में बैठा हुआ है यानी जो उसके सीनियर्स हैं जो उसके बॉस हैं जिनके अंडर रह के वो काम करता है अगर वो उनके साथ में बैठा है तो उसे गुस्सा भी आ रहा होगा यानी अग्रेशन अगर वो शो करना भी चाह रहा होगा तो कहीं ना कहीं उसको उसे कंट्रोल करना पड़ेगा क्यों करना पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन कुछ इस एक तरीके की है तो वो उनका कहना क्या है कि सिचुएशनिज्म क्या है कि जो सिचुएशन है जो आपके सरकमस्टांसिस हैं उसमें जब आपके बिहेवियर में इन्फ्लुएंस आता है तो उसे हम सिचुएशनिज्म कहते हैं and sometimes the situation influences are situational influences are so powerful that individuals with differing personality traits respond to them in almost the same ways iska matlab ye hota hai कि ये जो situations होती हैं ये हमको इतना ज़्यादा influence कर देती हैं कि भले ही जैसे for example मैंने आपको example दिया ना तीन लोगों का example दिया पायल स्नेहा एंड पलक ठीक है तो ये तीनों के अंदर भले ही डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी है इनकी मान लेते हैं कि पायल बड़ी ही काम है ठीक है मान लेते हैं कि स्नेहा अग्रेसिव नेचर की है मान लेते हैं ठीक है और पलक को हम मान लेते हैं कि ये जो है कन्फ्यूज है ये कैसी है कन्फ्यूज समझ में नहीं आता हमेशा कन्फ्यूज ही रहती है ठीक है तो अब यहां पे तीनों का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन मान लो इनका जो बॉस है ये कहीं पे जॉब करती हैं इनका जो बॉस है जब ये इनका बॉस कोई मीटिंग ले रहा होगा और इन्हें किसी बात पे गुस्सा भी आ रही होगी या कोई डाउट भी आ रहा होगा तो भी इनको सेम बिहेवियर करना होगा वहां पे अपना सेम बिहेवियर दिखाना होगा है ना भले ही डिफरेंट डिफरेंट आपके अंदर पर्सनैलिटी हो जैसे इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जब आप अपनी क्लास में होते हो है ना जब आपकी टीचर होती हैं तो आपके साइड में बैठा आपका फ्रेंड आपको कितना भी पोक करे या आपको कितना भी परेशान करे या फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कोई हंसी मजाक चल रही हो कुछ भी हो बट आपको एक वो सीरियसनेस शो करनी पड़ती है वहां पे मान लेते हैं क्लास में आपकी 40 स्टूडेंट्स हैं ठीक है एंड वन टीचर हर एक स्टूडेंट को डिसिप्लिन वे में बिहेव करना पड़ेगा टीचर के सामने चाहे अब फोर्टी स्टूडेंट सब आपस में एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं फिजिकली भी साइकोलॉजिकली भी बट सबका बिहेवियर जो है वो बिल्कुल एक समान रहेगा डिसिप्लेंड वे में रहेगा जब टीचर क्लास के अंदर हैं ये होता है सिचुएशनलिज्म कि जब जैसी सिचुएशन होगी जब जैसे एक तरीके का सरकमस्टांसिस uh, क्रिएट हो जाएंगे उसी तरीके से आपका बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस होगा भले ही आपकी पर्सनालिटी डिफरेंट हो सो द सिचुएशनल पर्सपेक्टिव व्यूज ह्यूमन बिहेवियर रिलेटिवली मोर एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स तो यहाँ पर क्या एक चीज आ गई एक्सटर्नल फैक्टर्स तो सिचुएशनल फैक्टर्स किसकी बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और जिसकी वजह से हम इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंसेज आते हैं तो मैं आपको बोल रही थी ना कि दो चीजें होती हैं जो आपके बिहेवियर को या जो आपको एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है एक आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिनको आप जेनेटिक फैक्टर्स भी बोल सकते हो और दूसरे आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को ही हम एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बोलते हैं ठीक है तो एक जो चीजें आपके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है पर्सनल ट्रेड्स और एक जो आपको इन्वामेंट यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं तो इन दोनों की ही वजह से हम इंडिविजुअल्स के अंदर डिफरेंसेस जो हैं वो क्रिएट होते हैं क्लियर तो सिचुएशनलिज्म आपको क्लियर हुआ कि जब कुछ ऐसी सिचुएशन या सरकमस्टानसेस बन जाते हैं जहां पर आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो रहा है दैट इज सिचुएशनलिज्म इसको नोट कर लेना ठीक है इस एक पॉइंट को आप अपने नोट्स में लिख के रखना कि सिचुएशनलिज्म क्या होता है So, situationalism is state, or situationalism is the situation and circumstances in which one is placed. और वन इज़ प्लेस्ड इन्फ्लुएंस वंस बिहेवियर यानी कि जहां पर एक का बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है एक ऐसा स्टेट जहां पे सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस जिसमें एक इंडिविजुअल प्लेस्ड है वो उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही होती है तो सिचुएशनलिज्म को याद रखना ठीक है इसमें जनरली जो पर्सन है वो वैसा ही बिहेव करेगा जैसा उसके सुपीरियर्स चाहते हैं कि वो बिहेव करे ठीक है और ये सिचुएशनलिस्ट जो या सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव जो होते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर को एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू ज़्यादा देखते हैं कि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो आपको डिफरेंट uh, बनाते हैं एक दूसरे से ठीक है तो जब भी हम ह्यूमन्स फंक्शन करते हैं तो डिफरेंसेज हमारे अंदर हैं बट देयर आर सम सिचुएशंस विच मेक्स अस इक्वल या जो हमको हमारे बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं है तो बहुत छोटा सा कंसेप्ट है आपको बस इतना समझना है कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंसेज होते हैं देखो थोड़ा सा कुछ नोट करते हैं ठीक है आप भी मेरे साथ में नोट करना ओके? देखो note it down. हर एक इंडिविजुअल जो है या हम ये भी कह सकते हैं कि हर एक स्पीशीज के अंदर क्या होते हैं डिफरेंसेस होते हैं अब ये डिफरेंसेस दो तरह के हो सकते हैं एक हो सकते हैं फिजिकल ठीक है और एक होते हैं साइकोलॉजिकल ओके ये सब आपको नोट करना है मेरे साथ में है हाँ ना बिल्कुल रफ नोट्स बना लिया करो एक आध ऐसी पतली सी कॉपी ले लेना और उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ नोट करते रहना ठीक है जो भी मैं लिखवाती हूँ तो आ, फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों ही तरह के डिफरेंसेस होते हैं फिजिकल के एग्जांपल मैंने आपको दिए साइकोलॉजिकल मैंने आपको दिए ये दोनों कंबाइन होके जब किसी इंडिविजुअल के अंदर होते हैं तो वो एक इंडिविजुअल को यूनिक बनाते हैं और साथ ही साथ में इनकी जो इंटेंसिटी होती है एक इंडिविजुअल के अंदर ठीक है यानी कितनी इंटेंसिटी के साथ में ये किसी इंडिविजुअल के अंदर है वो उसको यूनिक बनाती है जैसे किसी के अंदर साइकोलॉजिकल ज़्यादा है फिजिकल कम है किसी के अंदर फिजिकल ज़्यादा है साइकोलॉजिकल कम है या साइकोलॉजी के, के अंदर अगर इंटेलिजेंस की हम बात करें तो किसी के अंदर ज़्यादा है किसी के अंदर कम है तो ये जो इंटेंसिटीज होती है ये एक इंडिविजुअल को यूनिक बनाती हैं और ये जो वेरिएशंस होते हैं ये हमारी लाइफ को बेटर बनाते हैं सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस मेक्स वर्ल्ड colorful and better to live, या better and fun, ये अपनी understanding के लिए note कर लो ठीक है कि ये चीजें ही world को और ज्यादा अच्छा बनाती हैं clear? अब अगर हम बात करें कि individual differences होते क्यों हैं और कहाँ से आते हैं how and why? कैसे होते हैं और क्यों होते हैं तो इसको लेके एक आर्ग्यूमेंट है साइकोलॉजिस्ट कहते हैं दो कारण हैं पहला कारण क्या है कि आपके अपने पर्सनल ट्रेट्स होते हैं है ना आपके अपनी पर्सनल लाइकिंग है डिसलाइकिंग है जैसे मैं आपको फॉर एक एक एग्जांपल दूं कि आ, कोई पर्सन है जिसको फास्ट फूड पसंद है कोई पर्सन है जिसको रेस्टोरेंट में जाके बैठ के आराम से खाना पसंद है तो हर एक पर्सन की लाइकिंग डिसलाइकिंग है ये उसके पर्सनल ट्रेट्स को बनाता है ठीक है तो क्योंकि हमारे पर्सनल ट्रेट्स अलग अलग हैं तो इसीलिए हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं दूसरी चीज सिचुएशनिज्म जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिचुएशनलिज्म सिचुएशनलिज्म क्या कहता है कि जो भी सिचुएशन या जो भी सरकमस्टेंसेज में हम होते हैं वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है जैसे ये किसी तरह की एक सिचुएशन है या सरकमस्टेंस है इसके अंदर जो भी इंडिविजुअल होगा तो उसका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो रहा है क्योंकि वो इस एक सिचुएशन के अंदर है जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आप अपनी क्लास के अंदर हो तो आप वैसा ही बिहेव करोगे जैसा आपकी टीचर चाहती है ठीक है इस एक सिचुएशन में आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो रहा है मान लो कि आप चाहते हो कि इस एक टाइम पे जस्ट टेक एन एग्जाम्पल आप चाहते हो कि आपको लंच करना है लेकिन आपकी टीचर बोलती हैं कि नहीं अभी आपको डिसिप्लिन वे में रहना है सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आपको भी पढ़ाई करना है तो आप कहीं ना कहीं आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग पर अफेक्ट हो रहा है है ना तो ये एक चीज़ सिचुएशनिज्म को बताती है सिचुएशनलिज्म को ठीक है कि जो सिचुएशन हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है अब इन सिचुएशनलिज्म को एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कहा जाता है इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ठीक है जो हम इंडिविजुअल्स के अंदर डिफरेंसेस को भी क्रिएट करते हैं कि अगर हमारे अंदर जो डिफरेंसेस हैं उसको और ज़्यादा बनाने का काम ये सिचुएशनल फैक्टर्स करते हैं ये तो आपको एग्जांपल दिया गया था कि सिचुएशनलिज्म का मतलब होता क्या है बट कुछ ऐसी सिचुएशन कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे अंदर डिफरेंसेस को क्रिएट करते हैं जिसको आप एक एक करके आगे समझोगे अभी आपके लिए जितना समझना इंपॉर्टेंट है वो यहाँ तक है आपको यहां तक सारा क्लियर हुआ होगा मे बी यहाँ पर थोड़ा डाउट होगा तो थोड़ा सा धैर्य रखो ठीक है थोड़ा सा रुको हम नेक्स्ट लेक्चर में पहुंचेंगे तो आपको ये चीजें और डिटेल में क्लियर होंगी है ना एकदम से सारा कुछ नहीं होगा धीरे धीरे करके समझेंगे मैं शॉर्ट शॉर्ट में आपको सारी चीजें समझा रही हूं ताकि एकदम से ऐसा ना हो कि आपको सब ऊपर से ज्यादा जा रहा है कि वो आगे आगे का पढ़ते जा रहे हो पीछे पीछे का सब भूलते जा रहे हो ठीक है तो आराम से सुनो आराम से समझो हर एक कंसेप्ट हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाओ मैं अगर बोल रही हूं नोट्स बनाओ तो नोट्स बनाओ ठीक है अब इसमें आपको करना क्या है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की डेफिनेशन है ना उसको लिख लेना ठीक है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं और सिचुएशनलम की जो डेफिनेशन है उसको नोट कर लेना और ये जो मैंने पॉइंट्स लिखाए हैं ये ऐसे ही नोट कर लो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सही रहेंगे ठीक है आप बाद में पढ़ने बैठोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे ठीक है अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम इसी को और कंटिन्यू करेंगे ठीक है इसी को और कंटिन्यू करेंगे और इसके डिफरेंट असेसमेंट मेथड्स होती हैं और भी डिफरेंट टिप्स वगैरह होती हैं उसकी हम बात यहाँ पर करेंगे ठीक है अभी इतना आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है अब जितना समझाए उतने में तो कोई डाउट नहीं आ रहा होगा है ना हम यहाँ से और कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर क्लियर कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक ठीक है कोई भी डाउट है तो आप फिर भी पूछ सकते हो मुझसे कमेंट सेक्शन में कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई तो मैं आपको वो चीज़ क्लियर कर दूँगी ठीक है अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारे ही इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में समझेंगे आई होप सो क्लियर हुआ होगा और डाउट नहीं होगा बट कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अब तब तक अच्छे से रीड करना है चैप्टर को ठीक है मतलब जितना पढ़ा दिया बस उतना रीड कर लो पूरा मत करो पूरा हो सकता है नहीं समझ में आएगा अभी तो जितना अभी पढ़ाया उतना रीड कर लो फिर बाकी का हम बाद में करेंगे क्लियर कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक अब अच्छे से रीड करो अच्छे से पढ़ाई करो पर जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके जाओ कि आप कैसे मैग्नेट ब्रिंस की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो तो एज यू ऑल नो डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रिंस के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं और साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रिंस की ऐप है आप उसको भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो इसके अलावा मैग्नेट ब्रिंस की वेबसाइट है दैट इज डब्लू डब्लू डब्ल्यू डॉट मैग्नेट ब्रेंस डॉट कॉम जैसे ही आप इसको एंटर करते हो गूगल में आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा यहाँ पर आपको हमारे टॉपर्स मिलेंगे हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी बेस्ट टीचर्स के साथ में और साथ ही साथ में हमारे सारे टॉप कोर्सेस जैसे कि सीबीएससी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम एन टी एस सी ओलम्पियाआईटी जेई नीट यूपीएससी एसेट्रा एक्सेट्रा आपको जो भी कोर्स पढ़ना है उस पर क्लिक करना आपको यहाँ सारी क्लासेज मिल जाएंगी क्लास को चूज करना जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वॉच नाउ पर क्लिक करना सारे चैप्टर्स आ जाएंगे सारे कोर्सेज आ जाएंगे जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ और आपकी वीडियोज ओपन यहाँ पर आपको हर एक चीज सिक्वेंशियल ऑर्डर में मिलेगी बिना किसी दिक्कत परेशानी के और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम आपसे दो लेक्चर के बाद में कोई कूपन भी नहीं भेजेंगे यानी कि हम आपसे कोई पेमेंट भी नहीं लेंगे यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन विदाउट एनी पेमेंट ठीक है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी हंड्रेड फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सके और इतना ही नहीं आप मैग्नेट ब्रेन्स को डिफरेंट सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट जैसे कि इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर पर भी बहुत ईजिली एक्सेस कर सकते हो तो आई होप तो सारी चीजें क्लियर हैं और वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से कर दो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में तब तक के लिए स्टेट विद अस थैंक यू वेरी मच